नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल के ऊपर जनरल स्टडीज फॉर सिविल सर्विस, और स्वागत है आप लोग का मेरे इस नए वीडियोस में। तो दोस्तों, हम लोग करने क्या जा रहे हैं, हम लोग करने जा रहे हैं जो डेली एमसीक्यू या हिंदी में दैनिक अभ्यास, जो अभ्यास प्रश्न, जो कि आपका 26 सितंबर 2018 के लिए है, और इसे पसंद करूंगा मैं। और तो आप लोग को सबसे पहले करना क्या है, सब्सक्राइब करना है, फिर लाइक करना है, फिर शेयर करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट भी करना है, ठीक है, कुछ एडवाइस हो तो कमेंट भी करना है। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के सामने कि हाल ही में वैज्ञानिक चार्ल्स काओ का 84 वर्ष की आयु में हांगकांग में निधन हुआ, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भौतिक शास्त्र, दूसरा रसायन शास्त्र, तीसरा शांति पुरस्कार, चौथा साहित्य। आंसर क्या है? भौतिक शास्त्र। आंसर क्या है दोस्तों? भौतिक शास्त्र। इस चीज को ध्यान भी रखना है, ठीक है। और ये एक चीज जो अभी साल का 2017 तक का जो नोबेल पुरस्कार जो किसे क्या मिला था 2017-18 का, अगर आपको पता हो तो सारे चीजें बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। और दोस्तों, जो चार्ल्स काओ का 84 वर्ष में निधन हुआ, उन्हें कब मिला था? 2009 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस कार्यक्रम के तहत 9वीं से स्नातकोत्तर तक की 15 लाख कक्षाओं को डिजिटल कक्षा में बदलने की घोषणा की गई है? ए ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, बी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सी मिशन स्मार्ट क्लासरूम, डी मिशन क्लासरूम। आंसर क्या है दोस्तों? आंसर है इसका आपका ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। आंसर क्या है? ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, ठीक है। आंसर हो गया इसका ए। और जो ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड के अंदर क्या होगा, 15 लाख की जो कक्षा होगा उसको डिजिटल कक्षा का रूप दिया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित था? एजुकेशन से संबंधित, मतलब जो एजुकेशन का लेवल है उसको इंक्रीज करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला है यहाँ पर आप लोग के सामने कि हाल ही में किस देश में पहली बार स्वतंत्रता समर्थक राजनीतिक दल को प्रतिबंधित किया गया है? ए ग्रीस, बी हांगकांग, सी बेलारूस, डी इंडोनेशिया। कहाँ हो सकता है, थोड़ा भी गेस लगाइएगा तो उसका आंसर आप निकाल सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं पता है तो। आंसर क्या है? हांगकांग। आंसर क्या है दोस्तों? हांगकांग में, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और हांगकांग प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बताते हुए चीन से आजादी की समर्थक हांगकांग नेशनल पार्टी पर 24 सितंबर 2018 को प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि पहली बार वैज्ञानिकों ने प्रयोगशाला में स्टेम कोशिकाओं का उपयोग करके मानव शरीर के किस भाग को विकसित करने में सफलता हासिल की है? ए ग्रास नली, बी लीवर, सी किडनी, डी मेरुरजा। व्हाट इज द आंसर? आंसर है इसका दोस्तों ए ग्रास नली। आंसर क्या है? ए ग्रास नली, ठीक है। और जो ये चीज सब ध्यान रखिएगा, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, है ना। तो अब अपने अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए कितने आईटी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है? ए 4, बी 7, सी 8, डी 5। आंसर क्या है? डी 5, है ना। आंसर क्या है दोस्तों? डी 5। और जो भारतीय रिजर्व बैंक ने सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के क्रियान्वयन के लिए 5 आईटी कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया, तो ये 5 आईटी कंपनी कौन कौन सी है? इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, कैप जेमिनो टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंडिया, देन आईबीएम इंडिया एंड लार्सन एंड टुब्रो इंफ्राटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के सोलर प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? ए 1 मिलियन डॉलर, बी 5 मिलियन, सी 6 मिलियन, डी 10 मिलियन। आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है ए 1 मिलियन डॉलर। क्या आंसर? ए 1 मिलियन डॉलर। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न ये चीज याद रखेगा, इंटरनेशनल सोलर प्रोजेक्ट जो है ये न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में सोलर पैनल स्थापित किए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना है ना। और जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, अंतरराष्ट्रीय सौर महागठबंधन, उसका मुख्यालय कहाँ है, मैंने आप लोगों को बताया था, कमेंट करके बताइएगा जरूर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी फिल्म ऑस्कर 2019 हेतु भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? ए स्त्री, बी म्यूटेंट, सी खोज, डी विलेज रॉकस्टार। आंसर है इसका आपका डी विलेज रॉकस्टार। क्या आंसर? आंसर है डी विलेज रॉकस्टार।
ठीक है। और जो अश्मिया फिल्म है ये रिलीज रॉक स्टार, और ये सबसे विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2019 के लिए भारतीय आधिकारिक प्रविष्टि है। और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने यह घोषणा कब की थी, 22 सितंबर को। अगला प्रश्न है, कानून मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल कितने जज हैं, ए 19, बी 20, सी 25, डी 30। आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर है आपका ए 19। और आप लोगों को करना क्या है दोस्तों कि कमेंट जरूर करते रहना है, ठीक है। और मैंने अनअकैडमी के ऊपर करंट अफेयर वाले जो कोर्स मेरा चलता है उसमें मैं ये सारे कवर कर रहा था, कल मैंने सारे कवर किया हुआ था कल परसों में, ठीक है। तो उस लोग अगर आप लोग उसको देखेंगे तो मैं जो है आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देता हूँ, तो उसको प्लीज देखिएगा जरूर, ठीक। इसका आंसर हो गया आपका ए। अगला प्रश्न, और ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी जो है कम से कम देश में आपका 6000 से ज्यादा जजों की कमी है, सुप्रीम कोर्ट में 6 जजों की कमी है, ऐसी चीजों को याद रखना है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो स्ट्रेंथ जजेस के जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 31, लेकिन अभी जो है 6 की कमी है ना। चलिए आगे बढ़ते, देश में उच्च न्यायालय कितने हैं कमेंट करके जरूर बताएगा, कितने हाईकोर्ट है अपने पूरे भारत में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार किसी महिला ने टीवी पर शाम का न्यूज बुलेटिन दिया, ए नेपाल, बी चीन, सी सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी सऊदी अरब। आंसर क्या है दोस्तों, सी सऊदी अरब, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन आप तो थोड़े भी अपने माइंड से लगाएंगे तो आप लोग ये क्या कर सकते हो, आंसर ऐसा निकाल सकते हो। तो जो है बीम अल दखिल सऊदी अरब में टीवी पर शाम के न्यूज बुलेटिन देने वाली पहली महिला एंकर बन गई, याद रखिएगा क्या है, बीम अल दखिल, क्या है, बीम अल दखिल, ठीक है, बीम अल दखिल। अगला प्रश्न यहाँ पर कि सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने हॉटस्टार की किस सीईओ को फेसबुक इंडिया का उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है, ए अजीत मोहन, बी क्रिस डेनियल, सी कल्याण कृष्णमूर्ति, चौथा है आपका राहुल सचदेव। आंसर क्या है इसका, अजीत मोहन। आंसर है इसका ए अजीत मोहन। आंसर क्या है दोस्तों, इसका आंसर ए अजीत मोहन है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो और एक चीज ये भी कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक ने हॉटस्टार की सीईओ अजीत मोहन को फेसबुक इंडिया का उपाध्यक्ष और एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है, और फेसबुक इंडिया के एमडी रहे मंग बेदी ने पिछले साल अक्टूबर में इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला ब्रह्मोत्सव का आयोजन निम्नलिखित में से कहां किया जाता है, ए पुरी, बी तिरुवनंतपुरम केरला, सी मदुरई तमिलनाडु, डी तिरुमला आंध्र प्रदेश। आंसर है दोस्तों इसका आपका तिरुमला आंध्र प्रदेश। क्या है आंसर, आंसर इसका डी तिरुमला आंध्र प्रदेश है ना। और ये हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला ब्रह्मोत्सव का आयोजन हर साल आंध्र प्रदेश के तिरुमला में किया जाता है। और ब्रह्मोत्सव तिरुमला का क्या है, वार्षिक उत्सव है जो ब्रह्मा के नेतृत्व में भगवान श्रीनिवास के आविर्भाव का स्मरण करने के लिए मनाया जाता है। और इसका आयोजन आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर माह में किया जाता है। यह 9 दिनों तक चलने वाले वार्षिक उत्सव ब्रह्मोत्सव के दौरान जो है तिरुमला में रथ उत्सव का भी आयोजन किया जाता है। अगर आप मेरे करंट अफेयर का कोर्स देखेंगे तो आप लोग जरूर देखेंगे, ये मैंने कल ही कवर किया हुआ था। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संसदीय मामलों का मंत्रालय 1997-98 से विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है, बिल्कुल सही। दूसरा, इसका उद्देश्य गरीब महिलाओं को संसद की प्रक्रिया एवं कार्यवाहियों, बहस एवं चर्चा की तकनीकों से अवगत कराना है। ये गरीब महिलाओं को नहीं दोस्तों, ये हमारे युवाओं के लिए है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है और स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल एक। आंसर क्या हुआ, एक, केवल एक, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा जरूर, मैंने आपको बता दिया, ये हमारे युवा पीढ़ी के लिए, महिला के लिए नहीं, गरीब महिला के लिए नहीं है, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर आप लोग के सामने कि हाल ही में समाचारों में रहे हायाबुसा 2 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, इस मिशन के तहत पहली बार 2 रोबोटिक रोवर को क्षुद्र ग्रह की सतह पर उतारा गया, बिल्कुल सही। और इस मिशन का उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने के लिए क्षुद्र ग्रहों से सूचना एकत्र करना है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। और ये कहाँ का है आपका हायाबुसा, जापान का, जो जापान है उसका स्पेस एजेंसी का क्या नाम है, जक्सा, जैसे हमारे इंडिया का इसरो है, जैसे अमेरिका का नासा है, रोस्कोमोस जैसे रशिया का है, ठीक है ना। तो
और इस चीज सबको याद रखना है, तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोग के सामने कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर बीमारियों को छोड़कर 500 बीमारियों को शामिल किया गया है। ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है, इसमें ये सारे भी बीमारी है। ठीक है, तो दूसरा, देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, अभी तक सभी राज्यों ने नहीं किया है, तो स्टेटमेंट भी गलत है। और तीसरा, यह योजना विभिन्न चिकित्सा पैकेज को कवर करती है जिसमें सर्जरी, चिकित्सा एवं देखभाल, दवाइयां और निदान की लागत आदि शामिल है। बिल्कुल सही, तो उसमें से कौन सा कथन सही है? आंसर आपका सी, केवल जो तीसरा स्टेटमेंट है वो सही है। ठीक है, उस चीज को याद रखिएगा। और पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, है ना। यहाँ पर देखिएगा कितने सारे, मैंने ये तो पहले भी कवर किया हुआ है इसलिए मैं डिटेल में इसे नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे कल जो नए वीडियो के साथ, नए लेसन के साथ। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर, ये चार चीज करिएगा जरूर। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद।